लंबे समय के बाद दुर्ग रायपुर के बीच सिटी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। दुर्ग स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है, परंतु आज दुर्ग के निजी बस ऑपरेटरों ने दुर्ग कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सिटी बस संचालक द्वारा नियम अनुसार बस नहीं चलाने की बातें कह निजी बस संचालकों की शिकायत की है कि सिटी बस नियमानुसार दुर्ग स्टेशन से एयरपोर्ट तक जानी है, परंतु जगह जगह बस रोककर सवारी भरी जाती है, जो कि नियम अनुसार गलत है। इसका विरोध निजी बस संचालकों द्वारा किया जा रहा है। निजी बस संचालक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष इस प्रकार से रखी है। मांग में ये क्या है, दुर्ग में जो अभी सिटी बसें चालू हुई है कल से, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन दुर्ग, तो उसमें ये हो रहा है कि हमारी जो दुर्ग से रायपुर सिटी बसें चलती है, ये प्राइवेट बसें, उसका हर 3-3 मिनट में परमिट है। और ये जो गाड़ियां चलनी हैं एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन आना है, और रेलवे स्टेशन से उनको जैसे 6:15 का टाइमिंग है और 6:25 उसको बस स्टैंड से निकलना है, तो 10 मिनट में वो आके क्या कर रहे हैं, 10-10 मिनट खड़ी करके भर रहे हैं गाड़ियों को, जिससे हमारे को नुकसान हो रहा है। और जो अपने टाइमिंग से चले और रेलवे स्टेशन जा भी नहीं रही, गाड़ी यहीं से भर रहे हैं, तो पूरे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वही हम शिकायत करने आए थे कि भाई ऐसा ऐसा है, इनको बुला के समझा दीजिए, अपने नियमानुसार चले, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर अन्य से प्रॉब्लम लाइन ऑर्डर की स्थिति ना बने, क्योंकि सारे बस मालिक अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें। तो उन्होंने कहा है ठीक है, बोले हम देख लेते हैं इसको, बोले। और जैसे कोई भी गाड़ी है उनका रेलवे स्टेशन से जब स्टार्ट होना है, तो रेलवे स्टेशन क्यों नहीं जा रही गाड़ियाँ, यहीं पर बस स्टैंड के साथ। अच्छा, बस स्टैंड कोई स्टॉपेज नहीं दी है कि अगर परमिटों में RTO का जो मेरे सैकड़ों बसें चल रही है, अगर कहीं भी स्टॉपेज है तो ऐसा होता है कि 6:25 अराइवल, 6:30 डिपार्चर, 2 मिनट 3 जो भी स्टॉपेज देना। परिवहन मंत्री द्वारा 9/9/2022 को वो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सिटी बस का कुछ समझौता हुआ था, जो 8 AC बस थी उसकी जगह में 5 AC बस चलाने का समझौता हुआ, और बस स्टैंड से गाड़ी, दुर्ग बस स्टैंड से गाड़ी संचालन नहीं होगी। यह समझौता के अनुसार ठेकेदार मनीष सेठ ने हामी भरी थी, और आज दिनांक का बस स्टैंड से गाड़ी संचालन हो रही है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, थाने में शिकायत की है। इस प्रकार की मांगे समझौते के हिसाब से गाड़ी संचालन करना चाहिए, जिससे हम सिटी बस का कोई विरोध नहीं। कलेक्टर थे, नगर निगम आयुक्त था, और मंत्री जी थे, बस ऑपरेटर थे और ठेकेदार था।